हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान, राजद से इस्तीफा देंगे, लालू यादव से मिलकर देंगे पार्टी से त्याग पत्र। जी हां, युवा राजद के महानगर अध्यक्ष को नंगा कर कमरे में बंद कर पीटने के आरोपी तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान किया है। तेज प्रताप यादव ने राजद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही अपने पिता और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलकर अपना इस्तीफा पेश करेंगे। तेज प्रताप ने कहा कि उन्होंने हमेशा अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का काम किया है और सभी कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, युवा राजद महानगर अध्यक्ष रामराज का इस्तीफा, तेज प्रताप पर कमरा बंद कर मारपीट का लगाया आरोप। जी हां, राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर मारपीट का आरोप लगा है। यह आरोप पार्टी के ही युवा महानगर अध्यक्ष ने लगाया है। युवा महानगर के अध्यक्ष रामराज यादव ने आरोप लगाया है कि राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी के दिन तेज प्रताप यादव ने उन्हें कमरे में बंद कर पीटा है। रामराज यादव ने प्रदेश कार्यालय आकर अपना इस्तीफा दे दिया है। इधर रामराज यादव के आरोप पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरोप निराधार है और ऐसा बयान बहकावे में आकर दिया जा रहा है। बड़ी खबर, बिहार के 16 जिलों में 3 दिनों तक लू का हाई अलर्ट, हीट वेव से बड़ा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा। जी हां, बिहार में आने वाले 3 दिनों तक राज्य के दक्षिण बिहार में लू का हाई अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इन दिनों चल रही गर्म हवाओं से लोग खासे परेशान हैं, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने 16 जिलों में 3 दिनों तक हाई अलर्ट जारी किया है। पटना, पूर्णिया, छपरा, सुपौल, फारबिसगंज, सबौर, मोतिहारी, शेखपुरा, माधोपुर, जमुई, बक्सर, औरंगाबाद, खगड़िया, बांका, नवादा, हरनौत और जीरोदोई में अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में मौसम गर्मी और तेज गर्म हवाओं की रफ्तार सेहत पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में ब्रेन स्ट्रोक से लेकर हार्ट का भी खतरा बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आई रिपोर्ट, देश में सबसे प्रदूषित शहर बना पटना। जी हां, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसके अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पटना को माना गया है, जो देश की राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित है। देश के 129 शहरों में पटना सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा है। पटना का सूचकांक जहाँ 365 पाया गया है, वहीं 358 सूचकांक के साथ मुंगेर जिला प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पर है। आपको बता दें कि पछवा के तेज प्रभाव ने बिहार की हवा को प्रदूषित करके रख दिया है। राजधानी पटना की हवा रविवार को सबसे खराब श्रेणी में रही, तो वहीं मुंगेर जिला प्रदूषण के मामले में दूसरे नंबर पर रहा। स्थिति यह है कि दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित शहर पटना को माना गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जारी रिपोर्ट के अनुसार देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर पटना है। बड़ी खबर, बिहार में बिजली कनेक्शन के लिए अब जमीन का रसीद जरूरी नहीं, बदलने वाला है नियम। जी हां, प्रदेश में बिजली कनेक्शन के लिए अब जमीन के रसीद देना जरूरी नहीं होगा। आम उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बिजली कंपनी नियमों में बदलाव करने जा रही है। अब नए कनेक्शन के लिए लोग अगर जमीन के रसीद के बदले शपथ पत्र भी जमा कर देंगे तो उन्हें कनेक्शन दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामीण और शहरी इलाकों में यह देखा जा रहा है कि लोग कई सालों से जिस जमीन पर रह रहे हैं उसके पास उसकी रसीद नहीं है। एक समस्या यह भी है कि रसीद रहते या खरीद जमीन की ही होती है। ऐसे में कोई अगर गैर मजरुआ जमीन पर रह रहा तो उसके पास रसीद नहीं है। बड़ी खबर, पटना के सभी स्कूल 10:45 तक ही खुले रहेंगे, भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम ने दिया आदेश। जी हां, बढ़ते हुए तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए अब सभी स्कूल 10:45 तक ही खुले रहेंगे। बच्चों के स्वास्थ्य और जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावनाओं को देखते हुए पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश 27 अप्रैल से लागू होगा। मौसम के रुख को देखते हुए सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव फिर से किया गया है। पहले सुबह 6:30 से 11:30 बजे तक स्कूल के खुलने का टाइम था, जिसे अब 10:45 बजे तक खुले रखने का निर्देश पटना जिला अधिकारी ने दे दिया है। यह नई व्यवस्था बुधवार 27 अप्रैल से लागू होगी और गर्मी की छुट्टी तक प्रभावी रहेगी।
अगली बड़ी खबर, पटना में गंगा एक्सप्रेसवे पर 30 मई से शुरू हो जाएगा वाहनों का परिचालन। 5 मिनट में दिघा से गांधी मैदान। जी हां, लोकनायक जेपी गंगापद एक्सप्रेसवे पर आगामी 30 मई से वाहनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मई को एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। करीब 90% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अगले 15 दिनों में बाकी बचा निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा। गंगापद एक्सप्रेसवे पर वाहनों का परिचालन शुरू होने के बाद पटना शहर के लोग मात्र 5 मिनट में दिघा से गांधी मैदान तक का सफर पूरा कर सकेंगे। 10 मई से इस पथ पर वाहनों के परिचालन का ट्रायल शुरू हो जाएगा। बिहार राज्य सड़क प्रगास प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक कोरोना काल में काम प्रभावित होने की वजह से प्रोजेक्ट में देरी हुई है। हालांकि काम को तेजी से पूरा करवाया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में तापमान 42 डिग्री के पार, डायरिया व पेट दर्द के मरीजों में बढ़ोतरी। जी हां, बिहार में इन दिनों गर्मी का कहर लगातार जारी है। पारा सामान्य डिग्री से 5 गुना अधिक 42 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग गर्मी से बेहाल है। सुबह 10 बजे से ही धूप इतनी तीखी हो जाती है कि बाहर निकलने से पहले कई बार सोचते हैं। पछुआ हवा के कारण हर दूसरे दिन दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में लोग लू की चपेट में आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 30 अप्रैल तक पारा इसी तरह बना रहेगा। वहीं गर्मी के कारण बड़ों के साथ ही बच्चों पर भी डायरिया का प्रकोप तेज हो गया है। तीखी गर्मी से ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में ज्यादातर डायरिया और क्रोनिक लिवर डिजीज के रोगी पाए जा रहे हैं। बदलते मौसम में डायरिया के अलावा मरीजों में पेट दर्द, अपच, उल्टी, एसिडिटी की शिकायत ज्यादा मिल रही है। बड़ी खबर, चीन के बाद अब पाकिस्तान की डिग्री पर बिहार में प्रतिबंध, ना नौकरी मिलेगी ना उच्च शिक्षा। जी हां, चीन के बाद अब पाकिस्तान की डिग्री पर भी भारत में प्रतिबंध लगा दिया गया है। यूजीसी व एसआईटी ने पब्लिक नोटिस जारी करके कहा है कि पाकिस्तान में किसी भी कॉलेज या शिक्षण संस्थान से शिक्षा ग्रहण करने वालों को नौकरी और आगे की शिक्षा भारत में नहीं दी जाएगी। वहां के किसी भी संस्थान में किसी प्रकार के कोर्सों की मान्यता भारत में नहीं दी जाएगी। वहीं प्रवासियों को और उनके संतानों के लिए भी यही शर्त रखी गई है। अगली बड़ी खबर, बिहार बीएड एडमिशन 2022 के लिए आवेदन के लिए एक्टिव हुआ पोर्टल, 23 जून को होगी परीक्षा। जी बिहार के सभी सरकारी एवं प्राइवेट बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए सरकार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी सीईटी की परीक्षा आयोजित कराती है। इस प्रवेश परीक्षा के लिए कोई भी छात्र आवेदन कर सकता है। आवेदन के लिए कल 25 अप्रैल से ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया गया है। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1,000 रुपये की राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए राशि ऑनलाइन जमा करनी होगी। परीक्षा के लिए 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद 18 से 21 मई तक विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन किया जा सकता है। साथ ही परीक्षा के लिए 9 जून को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा एवं 23 जून को संयुक्त प्रवेश परीक्षा होगी। पूरे राज्य में करीब 330 कॉलेजों में लगभग 35,000 सीटें हैं। बड़ी खबर, सालाना कमाई में पहले स्थान पर पटना जंक्शन, दानापुर दूसरे नंबर पर कायम, तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर। जी पूर्व मध्य रेलवे के सबसे अधिक आय देने वाले स्टेशन में पटना जंक्शन है। वही मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पर है। पटना जंक्शन की कमाई 4.36 अरब, दानापुर की 2.01 अरब और मुजफ्फरपुर की 1.77 अरब है। पूर्व मध्य रेलवे के ओएसपीसीएस राजीव रंजन कुमार 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 22 का आंकड़ा जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसमें जनरल काउंटर व रिजर्वेशन काउंटर की अलग अलग आय बताई गई है। अगली बड़ी खबर, छठे चरण का शेड्यूल जारी, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के लिए 28 अप्रैल से 27 मई के बीच आवेदन करने का मौका। जी हां, राज्य में छठे चरण के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को लेकर शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। बता दें कि पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद फरवरी माह में शिक्षा विभाग ने नियोजन की प्रक्रिया पर विराम लगा दिया था। अब 28 अप्रैल से एक बार फिर से इस नियोजन प्रक्रिया को शुरू करने से जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार 28 अप्रैल से 27 मई के बीच अभ्यर्थियों को आवेदन देने का मौका दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन दे पाएंगे जो वर्ष 2017 से 19 के बीच बीएड की परीक्षा पास कर चुके हैं और उनका परीक्षा फल 26 सितंबर 2019 तक प्रकाशित हो चुका है।
अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2011 के एसटीईटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट 2013 में प्रकाशित आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने अपने बीएड की डिग्री 26 सितंबर 2019 तक प्राप्त कर ली हो। शिक्षा विभाग की अधिसूचना में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन नियोजन इकाइयों में नए आवेदन नहीं प्राप्त होंगे, वहां पहले से प्रकाशित मेगा सूची के आधार पर और पहले से संपन्न नियोजन प्रक्रिया की आगे की प्रक्रिया चलेगी। बड़ी खबर, बाढ़ और गंगा जल को लेकर सीएम की समीक्षा। राजगीर, गया, बोध गया, नवादा के लोगों को जल्द मिलेगा गंगा जल का पानी, 97% काम हुआ पूरा। जी हाँ, बिहार में लगातार बढ़ती गर्मी और जल संकट को लेकर राज्य सरकार चिंतित हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर जल संसाधन विभाग की एक बड़ी बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस बैठक में पहले विभाग की समीक्षा की। विभाग की तरफ से बताया गया कि गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत इनटेक वेल पंप हाउस डिस्टेंशन टैंक पंप हाउस काम प्रगति पर है। वहीं बताया गया कि पाइपलाइन का 97% काम हो गया है। उन्होंने गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत राजगीर, गया, बोध गया, नवादा में सभी लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम करने की बात कही गई है। बड़ी खबर, बिहार में फिर से बढ़ रहा है कोरोना। 10 दिन में 25 नए मामले, 15 दिन में और बिगड़ सकती है स्थिति। जी हाँ, देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। बिहार में अभी हालात सामान्य है, लेकिन संक्रमण बढ़ रहा है। 10 दिन में कोरोना के 25 नए मामले आए हैं, जिससे एक्टिव मामलों की संख्या 16 हो गई है। 12 अप्रैल को राज्य में कोरोना का एक भी नया मामला नहीं आया था, लेकिन अब बढ़ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि मई में कोरोना की रफ्तार बढ़ जाएगी। इसके पीछे तर्क पहली, दूसरी और तीसरी लहर का ट्रेंड है। माइक्रो वायरोलॉजी विभाग के एक्सपर्ट का कहना है कि अब तक का ट्रेंड यही रहा है। अन्य राज्यों की अपेक्षा बिहार में देरी से संक्रमण बढ़ता है, लेकिन बहुत जल्दी बेकाबू हो जाता है। झारखंड में कोरोना से 2 की मौत के बाद अब कोरोना डराने लगा है। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि बिहार को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए राज्य सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए। इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।